निधियों ने विद्युत निगम में चल रहे ठेका तथा एवं निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन पत्र में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से संवेदनशील सरकार को अवगत करवाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आम नागरिकों को उचित दरों पर विद्युत आपूर्ति कराने वाले उद्योग का निगम प्रशासन निजीकरण कर रहा है। पर्याप्त कर्मचारी होने के बाद भी 33/11 केवी जीएसएस का संचालन, फॉल्ट ठीक करने का कार्य, नई लाइनें खड़े करने का कार्य, विद्युत विपत्र छपाई एवं रीडिंग कार्य, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कार्य, ऑडिट कार्य ठेके पर करवाया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम कार्य समिति सदस्य नरेश कुमार जोशी, जिला उपाध्यक्ष बनवारी सुमन, जिला लेखा शाखा प्रभारी मुबारक हुसैन, जिला उपाध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान, बिगोद इकाई अध्यक्ष राजकुमार मीणा, इकाई सचिव दिलीप मीणा, राजेश कुमार अरिहंत मीणा, ओम प्रकाश आदि पदाधिकारी और सदस्यों ने ज्ञापन दिया। क्षेत्रीय विधायक गोपाल खंडेलवाल ने श्रमिक संघ को आश्वासित किया कि उक्त निजीकरण के मामले को विधानसभा में उठाएंगे।